जय श्री कृष्ण। योगानंद जी बताते हैं कि हीन भावना से ग्रसित मनुष्य को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हीन भावना उसमें आई कैसे, वो कौन सी दुर्बलताएं हैं जिससे हीन भावना पैदा हो गई। कभी कभी दूसरों द्वारा कमी बताए जाने से हीन भावना आती है, और कभी कभी जब हम खुद को ही दूसरों से कम आंकने लगते हैं, तो हमारे मन की कल्पना से ही हम हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तो हीन भावना से निकलने के लिए सबसे पहले उसके कारण को जानना आवश्यक है, क्योंकि अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के प्रयास में व्यक्ति झूठे अभिमान का कवच पहन सकता है और अत्यधिक अहंकार का प्रदर्शन करता है। तब जो लोग इस मनोवृत्ति के वास्तविक कारण को नहीं समझते, कह सकते हैं कि वह व्यक्ति श्रेष्ठता का भाव रखता है। उसके आंतरिक असामंजस्य की ये दोनों ही अभिव्यक्तियाँ उसके आत्मविकास के लिए विनाशकारी हैं। दोनों ही भाव अपनी कल्पना द्वारा या दूसरों की उपेक्षा द्वारा पोषित होते हैं, जबकि उनमें से कोई भी आत्मा के सच्चे सर्वशक्तिमान स्वरूप से संबंध नहीं रखता। अपने आत्मविश्वास को वास्तविक उपलब्धियों पर तथा इस ज्ञान पर आधारित करें कि आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा कभी भी किसी प्रकार से हीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ईश्वर के प्रतिबिंब में बने हैं और उन्हीं के समान सर्वशक्तिमान भी हैं। जब आप ध्यान के अभ्यास द्वारा अपने स्व को जानने का प्रयास करेंगे, तब आप सभी प्रकार की मनोग्रंथियों या कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त हो जाएंगे।